डेस्टिनेशन करने का मजा जो बाइक से है वो किसी से भी नहीं है, सीरियसली ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और आज मैं अपनी बाइक से जा रहा हूँ। तो यार हम अभी राजघाट पहुंच चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा दूर और है और थोड़ा सा दूर और हम चलते हैं। यार अगर आप राजघाट की प्लानिंग बना रहे हैं आने घूमने के लिए तो यहाँ पे आसपास नियर बाई और भी अट्रैक्शन प्लेसेस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, जैसे कि गुरुद्वारा बंगला साहिब है और अगर सेन की बोली है और दिल्ली हाट भी है साथ के साथ हौज खास विलेज है। और हाँ इसी रूट पे आपको इंडिया गेट भी देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ की भी ट्रिप कर सकते हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहां पर और अपनी जो बाइक है वो हमने पार्क कर दी है और पार्किंग का ये मैटर है कि आपको यहां पर दो पार्किंग मिलती है, एक पेड पार्किंग और एक फ्री पार्किंग। पेड पार्किंग में आपको बाइक जो है ₹25 में 4 घंटे के लिए आपकी पार्क हो जाएगी, बाकी गाड़ी का आप पता कर सकते हैं। यार हुमायूं टॉम्ब में एंट्री करने के लिए आपको टिकट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन टिकट करने के लिए हमें वहाँ पे एक QR कोड दिख जाएंगे और उस QR कोड पे स्कैन करना है हमें, चाहे फोन पे हो या फिर पेटीएम हो। तो जैसे ही हम उसको स्कैन करेंगे QR कोड को, वो हमें सीधे डायरेक्टली हुमायूं टॉम्ब की वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ पे हमें टिकट ऑनलाइन करना है। तो वहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा जैसे कि आपकी नेशनलिटी क्या है और आप कितनी टिकट्स लेना चाहते हैं और आपकी कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा वहाँ पे जिसका नंबर आपको वहाँ पे डालना है। तो अब जो भी नंबर आपने टिकट बुकिंग के टाइम डाला है उस नंबर पे एक लिंक आएगा, यानी मैसेज पे एक लिंक आएगा, वो आपको ओपन करना है। उसी में आपको PDF के रूप में एक फाइल दिखेगी, यानी आपकी टिकट्स दिखेगी। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं और इस कुछ इस तरह का शो होता है तो सिंपली आपको करना क्या है, ये जो प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे आपको ऑल PDF रीडर के नाम से ये ऐप डाउनलोड करना है और इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करना है और वही PDF आपको खोलनी है फिर से। तो आपकी टिकट वहाँ पे दिख जाएगी और आपको ये वो एंट्री गेट पे दिखाना है मशीन में और आप एंट्री कर सकते हैं आराम से। तो एंट्री फाइनली हो चुकी है। तो गाइज ये सारा खूबसूरत सा गार्डन है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और ये एक गेट है। तो इसका नाम है बू हलीमा का मकबरा, इस गेट का नाम है। जैसे मैंने इस गेट से एंट्री किया और अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं इस तरह का है। जो आप सामने देख रहे हैं हमें यहाँ पे सामने जाना है और यहाँ यहाँ पे ये म्यूजियम है। जैसे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे म्यूजियम के अंदर तो हुमायूं टॉम्ब का ये मैप दिख जाएगा आपको और ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको शो किया गया है और यहाँ पे पुराने जो पत्थर हैं जो पहले मिले थे खुदाई में वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने बहुत मज़े से एक्सपीरियंस किया यहाँ पे। यार हुमायूं टॉम्ब का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद 1565 में शुरू हुआ था और 1572 में यह पूरा हो गया था। इस मकबरे का निर्माण उस समय 1.5 मिलियन रुपीज़ की लागत से पूरा हुआ था जो अकेले महारानी द्वारा वहन किया गया था। Thank you.
तो यार फाइनली हम हुमायूं टॉम को एक्सप्लोर करने के लिए ऊपर आ चुके हैं, और ये है हुमायूं टॉम, बहुत बड़ा है अंदर से भी, और मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। यार हुमायूं का मकबरा तब और ज़्यादा पॉपुलर हुआ जब इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चारबाग एक फारसी शैली का बगीचा है जिसमें ज्यामिति लेआउट है, और इसे 4 स्क्वायर पैदल मार्गों में विभाजित किया गया, इसलिए इसे चारबाग नाम दिया गया है। यार अपने शानदार डिजाइन और शानदार इतिहास के कारण हुमायूं का मकबरा उस साल 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला इतनी ज़्यादा आकर्षित है कि कोई भी इसे देखे बिना नहीं रह पाता। यह शानदार मकबरा एक बड़े अलंकृत मुगल गार्डन के बीच में स्थित है। यार ये हफ्ते के 7 दिन खुलता है, और यहाँ पे आने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपके लिए सिर्फ 35 रुपये की टिकट यहाँ पे एंट्री फी लगेगी, और अगर आप फॉरेनर हैं या बाहर से हैं आउट ऑफ इंडिया तो आपके लिए 500 रुपीज़ पर कैंडिडेट यहाँ पे लिया जाएगा आपसे एंट्री के लिए। यहाँ पे मुझे जो देखने वाली चीज़ लगी सबसे अच्छी लगी वो है गार्डन, और काफ़ी बड़ा स्पेस एरिया, और उससे भी अच्छी सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगा कि जब आप अगर आप फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे आए हैं तो ये सबसे अच्छा एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये जो स्काई है, स्काई ब्लू हमेशा रहता है यहाँ पे, और फोटोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी फोटोग्राफी। ऐसे तो मैं फोटोग्राफी करता रहता हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी फोटोग्राफी मेरी यहीं पे आई थी, क्योंकि ये जो प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़बरदस्त था। ये जो जालीदार खिड़की है इसके नीचे 64 कमरे हैं, और इनके गेट मकबरे के चारों ओर बने हुए हैं, और इन 64 कमरों के अंदर हुमायूं सहित उनके परिवार वालों की 150 कमरे मौजूद हैं, इसीलिए इनको संरक्षक विभाग ने बंद कर रखा है। हुमायूं सहित उनके परिवार वालों की कुछ कब्रें दिखावटी रूप में जस्ट उसके ऊपर बनाई गई हैं, जिसको आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं। और ये तीन इधर और तीन इस साइड और तीन इस साइड, और जो मेन है वो ये है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। तो ऐ मैं ले चलता हूँ ईसा खां के मकबरा और मस्जिद में।
मैंने इस मकबरे के बारे में पढ़ा तो यह ईसा खान नियाजी का मकबरा, जो शेर शाह सूरी के दरबार में एक अफगान रईस था। वह वास्तव में मुगलों के विरोधी थे और उनके खिलाफ लड़े थे। शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल के दौरान इस अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण किया गया था। यह मकबरा एक अष्टकोणीय बागों से घिरा हुआ है और बाद में ईसा खान के परिवार को भी इस स्थान पर दफन किया गया था। यहाँ पे आने के लिए अक्टूबर से मार्च का जो समय होता है वो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि उस टाइम ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यार आपके लिए वीडियो शूट करने और एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा, मेहनत लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और लाइक आपको देना है और ऐसी वीडियोज़ देखते रहना है।